एक व्यक्ति था, दोस्त के पास जाता है, बड़ा मुरझाया हुआ चेहरा है, बड़ा मायूस है। तो दोस्त पूछता, क्या हुआ ना? ऐसे सड़ा सा चेहरा क्यों लेके आया तू? अरे क्या बताऊँ, 3 हफ्ते पहले चाचा जी चले गए। अच्छा, चाचा जी चले गए, हाँ दुख की बात है, मगर चाचा जी ने कुछ दिया क्या तुम्हें जाते हुए? कुछ ब्लेसिंग्स दी? बोले हाँ, बड़ी सुंदर ब्लेसिंग दी चाचा जी ने मुझे। जाते जाते अपनी विल में लिखे गए कि मेरे लिए 50 लाख रुपए वो रख के जा रहे हैं इनहेरिटेंस। लो ये 50 लाख रुपए उधर को मिल गए और तू ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना रखा है, खुश नहीं है तू? बोले क्या बताऊं, 2 हफ्ते पहले दादी जी भी चली गई। अच्छा, दादी जी चली गई, ये भी बड़ी दुख की बात है। तो दादी जी चली गई, फिर कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको? बोले हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले वो तो 75 लाख रुपए रखे गई है मेरे लिए इनहेरिटेंस में। अच्छा, 50 प्लस 75, ये भी कम है क्या? इतना सड़ा हुआ चेहरा, इतना कुछ तुम्हारे लिए मिल गया, लोग चले गए तुम्हारे लिए, इतना कुछ छोड़ गए। बोले क्या बताऊं, दर्द इसलिए है क्योंकि 1 हफ्ते पहले दादाजी भी चले गए दादी जी की याद में। बोले फिर वो कितना छोड़ के गए? बोले वो 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए। तो 50 लाख प्लस 75 लाख प्लस 1 करोड़। बोले फिर तू कितना क्यों मायूस है? बोले ये प्रॉब्लम ये है कि इस हफ्ते कोई गया नहीं है, हर हफ्ते अब इच्छा हो रही है कि कोई ना कोई तो जाएगा, कुछ दे के जाएगा। सो देर इज नो एंड टू ग्रीट। लोभ का ऐसा इन्फेक्शन है, ऐसा जोंक की तरह चिमड़ा रहता है हमारे साथ। इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, काम क्रोध तथा लोभा। तो ये 3 नरक के द्वार हैं, लस्ट एंगर एंड ग्रीट, काम क्रोध और लोभ। तो लोभ की परिभाषा क्या है? तो डिजायरिंग एक्सेसिवली, दैट इज कॉल्ड ग्रीट। ऐसी चीजों की इच्छा करना है जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं जिसकी, तो ये लोभ कहलाता है। सो मोर देन व्हाट वन नीड्स, इफ यू कीप डिजायरिंग फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड ग्रीट। तो सेइंग हम सब जानते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीट। तो भगवान ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटीज के अनुसार पहले से अरेंज करके रखी हैं, मगर हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। तो हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि जो भगवान ने हमें दिया हमें हमेशा कम पड़ता है, वो कम लगता है। भगवान तो बताते हैं ईशो उपनिषद में, ईशो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचत जगत्याम जगत। मैंने इस जगत में जितने भी जीवात्मा है, व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमंस, जितने भी पशु हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितने भी एक्वेटिक्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, सबके लिए मैंने अरेंजमेंट किया है उनके पालन पोषण भरण के लिए। नहीं, सब जीवात्मा का जो जीवन है चल रहा है, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट वो जो छोटा बच्चा है अभी माता के कोक से निकला है, उसके लिए भी भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया। भगवान जानते हैं कि इसके मुंह में दांत नहीं है, इसके पेट में पाचन शक्ति नहीं है, मगर इसको बड़ा होना है, तो क्या कर दिया, माता के स्तनों में दूध दे दिया। जैसे ही जन्म होता है तो पता नहीं कहां से माता के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, तो दुग्ध पान करते हुए, स्तन पान करते हुए बच्चा बड़ा हो जाता है, इम्यूनिटी भी आ जाती है। तो किसने अरेंजमेंट किया? कृष्णा, ही इज द मेंटेनर, ही इज द प्रोटेक्टर। तो भगवान जानते हैं कि जितने भी जीवात्मा उनको किस अवस्था में, किस स्थिति में क्या चाहिए, मैं पहले से अरेंज करके रखा हुआ है। तो हम सबको अपना कोटा दिया हुआ है भगवान ने, और भगवान उसको मेंटेन करते हैं। मगर हमारी इच्छा रहती है कि हम और ज्यादा लें, और ज्यादा लें, और ज्यादा। रास्ते में जाएंगे आप तो एक अनाज का बोरा रास्ते में गिर गया ट्रैक्टर से, तो खुल गया, वो अनाज बिखर गया जमीन पे, रोड पे। तो चिड़िया आएगी तो चिड़िया मुंह मार के खाना खा के चली जाएगी, फिर दूसरी चिड़ियों को बता देगी, बोले आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, वहाँ पे फ्री का अनाज मिल रहा है। तो सब अनाज खा के चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर में गाय आएगी, वो भी खा के चली जाएगी, कुत्ता आएगा, वो भी खा के चला जाएगा, अगर इंसान आएगा पूरा कट्टा उठा के ले जाएगा। मैं और मेरा, और मेरा परिवार, सबके लिए चाहिए मुझे, मेरे फ्यूचर के लिए भी चाहिए मुझे।
तो ये हमारा हाल है। भगवान ने बड़ी सुंदर एक लाइफ साइकिल बनाई है ना, नेचर की साइकिल है, जिसमें सब जीवात्मा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और लाइफ साइकिल बड़ी अच्छे से चलती है। मगर बीच में ये इंसान आ जाता है ना, और पूरी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। आप लोग ताला लगा के आए अपने घरों में? कितने लोग जो घर में कोई और नहीं था ताला लगा के आए? हाथ खड़ा करिए। किसके डर से ताला लगा के आए? कॉकरोच घुस जाएगा अंदर, चूहा चला जाएगा, चींटियां चली जाएंगी, कौन आ जाएगा? चोर आ जाएंगे। तो चोर कौन होते हैं? ह्यूमंस। देखिए पूरी जितनी स्पीशीज है ना, 84 लाख स्पीशीज, उसमें से यही एक स्पीशीज ऐसी है जो अपनी ही स्पीशीज से डरती है, मनुष्य। हम लोग आपस में एक दूसरे से डरते हैं, बाकी और किसी स्पीशीज को अपनी स्पीशीज से डर नहीं है। जो चूहे हैं उनको चूहों से डर नहीं लगता, जो शेर है उनको शेर से डर नहीं लगता, जो मगरमच्छ है उनको मगरमच्छ से डर नहीं लगता, मगर हम मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, अपनी प्रकृति को ही बदल दिया हमने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।